आईसीटी के इस वीडियो के अंदर आज हम जो है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो थर्ड कैटेगरी है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू साइज, जिसको मैंने दूसरा नाम बताया था स्पीड एंड स्टोरेज, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी दो वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुका हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पे। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पहले वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको जो है जो पहली कैटेगरी है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू पर्पस, या जिस मैंने कहा था ऑफ फंक्शन वाइज, ये हम ऑलरेडी जो है वीडियो नंबर 1 में जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड वीडियो के अंदर फिर मैंने आपको जो है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर, या जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन वाइज, वो भी हम ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। आज हम तीसरा जिसकी जो कैटेगरी है हमारे पास है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू साइज, इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था कि इसे जो है स्पीड एंड स्टोरेज भी कहा जाता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें हमारे पास जो है वो बेसिकली जो है वो चार टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं जिनको साइज के अतबार से डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर्स, दूसरा हमारे पास है मिनी कंप्यूटर, तीसरा हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा हमारे पास है सुपर कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर को फिर फर्दर फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, सेकंड हमारे पास जो है वो नोटबुक कंप्यूटर्स हैं, इस तरह हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर्स और हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स। तो हम इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जिसको कॉमनली जो है जो इसको नाम दिया जाता है वो पीसी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर, और ये स्मॉलेस्ट हैं और लीस्ट एक्सपेंसिव हैं। आपकी जो कंप्यूटर फैमिली है, आप कंप्यूटर फैमिली मींस ये जो चार किस्म के कंप्यूटर्स हैं माइक्रो मिनी मेन फ्रेम सुपर, इनमें सबसे लीस्ट जो है वो एक्सपेंसिव हैं और साइज के अतबार से छोटे हैं। इंडिविजुअल यूजर्स के लिए इसको बेसिकली डिवेलप किया गया था, लेकिन आजकल जो है ये पावरफुल टूल्स है जो बिजनेसिस के अंदर और नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है ताकि मोर देन वन यूज़र इसको यूज़ कर सके। अब माइक्रो कंप्यूटर में बेसिकली हमारे पास जो है फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। पहले हमारे पास है डेस्कटॉप कंप्यूटर, नाउ इट इज कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर बिकॉज इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर विच इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ डेस्क एंड इट मस्ट हैव पावर सप्लाई, लाइट इलेक्ट्रिसिटी के बगैर काम नहीं कर सकता। कॉमनली यूज होता है और घर में आप काम में स्कूल या किसी भी जगह पे आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। साइज में स्मॉल मीडियम लार्ज साइज में आपको ये मिल जाएंगे। नोटबुक कंप्यूटर जो है वो पोर्टेबल कंप्यूटर्स है, मोबाइल कंप्यूटर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और इसको हम जहाँ पर भी जा रहे हैं उसके साथ यूज़ कर सकते हैं, कैरी अराउंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट और बिजनेस लोग जो है स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स और जो बिजनेस यूजर्स हैं वो अपने नेसेसरी टास्क इसके अंदर ले जाते हैं। पुराने ज़माने के अंदर ये होता था कि अगर आप कोई मीटिंग के लिए कहीं आप जा रहे हैं तो पूरा का पूरा आप जो है एक पूरा बैग जो है अपने साथ फुल ऑफ फाइल्स जो है वो साथ कैरी करेंगे, बट नाउडेज वी कैन यूज़ दिस नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर्स, वी कैन ईजली यूज्ड ऑल किस्म ऑल टाइप्स ऑफ डेटा इन इट। इसमें तमाम फीचर्स हैं, नेटवर्क के साथ इंटरनेट के साथ यूज़ कर सकता है, इसमें हार्डवेयर सब कुछ फैसिलिटी मौजूद होती हैं बिल्ट, और इसके अंदर जो है इसकी अपनी जो है वो बैटरी होती है जो बिल्ट इन होती है। लैपटॉप कंप्यूटर जो है इट्स अनदर टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं, कैरी अराउंड कर सकते हैं। एडवांटेज इसमें यह है कि इसमें लाइट वेट भी हैं और एनी वेयर एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं वाइल ट्रेवलिंग जो है, स्पेशली एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर अपनी एक रिचार्जेबल बैटरी होती है और जिसको जो है चार्ज करके आप उसको जो है आसानी से ऑन द वे जो है स्पेशली ट्रैवलिंग के दौरान आप इस कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं। हैंडल कंप्यूटर जो है आजकल एक और हमारे पास जो है वो पोर्टेबल कंप्यूटर्स की एक यूनिक टाइप हमारे पास आ गई है, जिसको कहते हैं वर्क ऑन द गो, प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द पाम, दैट इज दीज आर कॉल्ड हैंडल कंप्यूटर्स। लाइट होते हैं, लाइट वेट होते हैं और इसमें जो है हमारे पास PDA है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, स्मार्टफोन इसके अंदर अब आ गए हैं, आईफोन वगैरह इसके अंदर आ गए हैं और इसमें आप हर किस्म के डेटा, सॉफ्टवेयर, एप्स, प्रोग्राम्स जो है इसकी एप्स हैं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड यूज होता है, इसी तरह iOS यूज होता है और डेटा हम इसमें बहुत आसानी से अपना इसमें स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज वगैरह सब कुछ होती है।
सेकेंड हमारे पास जो साइज के अतबार से वो है मिनी कंप्यूटर्स। ये पीसी से बड़े होते हैं लेकिन साइज में हमने इसको इसमें नहीं करना है, इसमें जो है और फैसिलिटीज होती है, इनकी स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर आप सिर्फ साइज को इनक्रीज करना होता तो हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर एक रूम साइज के कंप्यूटर्स होते थे एट दैट वेरी टाइम, लेकिन वो कंप्यूटर जो है सिर्फ साइज में बड़े थे लेकिन कैपेबिलिटीज उनके अंदर कम थी, उनकी स्पीड, उनका स्टोरेज जो है वो सब कुछ लो था। तो यहाँ पर जो है ये साइज तो इंक्रीज है लेकिन साइज के साथ साथ इनकी स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा है, मेनी यूजर्स को एट ए टाइम हैंडल कर सकते हैं। ज्यादातर ये माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर जो है एज अ सर्वर के तौर पर आप इसको यूज करेंगे और इसके साथ जो फिर पीसी जो है वो एज अ क्लाइंट यूज होता है। इसकी जो स्पीड्स है वो वेरी करती है फ्रॉम 1 to 50 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। वैक्स 11730, IBM 8370 जो है, दीज आर द फेमस माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो वो साइज में इससे भी बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, एक्सपेंसिव हैं, लार्जेस्ट हैं, फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करते हैं। ये भी ज़्यादातर यूज होता है एज अ सर्वर के तौर पर, बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ यूज होती हैं। मिलियंस ऑफ रुपीज के अंदर इसकी जो है वो कास्ट होती है, 150 यूजर्स को एट अ टाइम हैंडल कर सकता है, सेवरल हंड्रेड मेमोरीज के अंदर इसकी होती है और इसकी जो स्पीड मेजर की जाती है वो नैनो सेकेंड्स के अंदर। IBM 360, IBM 3090, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे फास्टेस्ट एंड सबसे जो है वो साइज में सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, जिसको नंबर क्रंचर्स भी कहा जाता है, यानी मैथमेटिकली जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है मैथ्स वगैरह नंबर्स जो है इसमें यूज किए जाते हैं। इसकी जो स्पीड है वो 10 मेगा फ्लॉप्स है, मिलियंस फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। बहुत एक्सपेंसिव हैं और इसमें दो जो फैमिलीज ऑफ हैं कमर्शियली अवेलेबल वो बहुत मशहूर हैं, ग्रे वन के नाम से है और एक साइबर 205 के नाम से है। और ये स्पेशली यूज होता है एटॉमिक रिएक्टर में, डिफेंस सिस्टम, नासा वगैरह इसको यूज करते हैं। सो बाय दिस वी हैव फिनिश्ड आवर दिस क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन हमारे पास था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तीन वीडियोज के अंदर मैंने तीनों टाइप्स को अलग अलग एक्सप्लेन करके आपकी आसानी के लिए आपको रिकॉर्ड करके दे दिया है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो।